करके आएगी फिर अब आप गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, आज तो संडे है, खैर सब किसी का एंजॉयमेंट वाला डे है। मैगी लेके आए हैं, संडे है तो मैगी बनेगा। संडे को इसका रहता है प्रिंसू परी का कि मैगी बनेगा। मैगी वैसे बनाना नहीं रहता है, लेकिन रहता है तो फिर बनाना पड़ता है, क्योंकि वो पहले से ही निकाल कर रखा हुआ है आज मैगी उधर किचन में जाके। तो वो चीज़ें हैं। और संडे हमारा थोड़ा सा कभी कभी बिजी भी होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा टाइम वाला भी होता है, क्योंकि बहुत टाइम मैं ऐसा करती हूँ कि सारे काम जो होते हैं एक दिन पहले मैं निकाल लेती हूँ। आज के लिए मैं नहीं छोड़ती हूँ। क्या हुआ, क्यों ये लड़का मम्मा को ऐसे मार रहा है? पराठा फाड़ दिए थे ना, तो आधा मैगी रखती है ना मम्मा, बना देगी। ठीक है, ठीक है, अभी मंगाता हूं। अभी थोड़ी देर बाद बनाएंगे। अभी दीदी नहा रही है ना, दीदी नहाए नहाई करके आएगी, फिर बाबू रेडी हो जाएंगे, फिर खेलेंगे, फिर मम्मा बना देगी। ओके, चलिए। तो बस मैं तैयार हुई थी, तो मैंने थोड़ा रील वगैरह जो बताया वो मैंने शूट किया, और रील वगैरह शूट करने के बाद से अभी हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका था, आज मॉर्निंग में ही हो चुका था। और उसके बाद से मैं रेडी हुई थी आराम से, कि कुछ मतलब काम उमना पड़े आज। वैसे भी कहीं जाना वाना नहीं होता है आज संडे को, थोड़ा तो सोच के रखा था मैंने कि आज मैं ये काम करूँगी, ये चीज़ें शूट करूँगी, तो उस हिसाब से मैं रेडी हो गई थी आज। तो चलिए, अभी फ़िलहाल के लिए विदा लेती हूँ, मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। सो गाइज, यहाँ पे मैंने मैगी बनानी स्टार्ट कर दी है, और मैगी में बहुत ही जो आसान, सबसे आसान तरीका जो होता है, बस मैंने मैगी को डाल दिया है, उसमें जो मसाला था वो डाल दिया है, और पानी ऐड कर दिया है। थोड़ा सा चिटकी भर हल्दी मैं ऐड करती हूँ इन लोगों के लिए, और थोड़ा सा साल्ट ऐड करती हूँ। तो बस ऐसे करके पानी डाल के बस ऐसे ही मैगी बनेगी मेरी आज की। क्या मम्मा, क्या बंद नहीं, मैं नहीं चलाती ना, तो क्या होता मैगी हो गया था, मैगी मुंह देखो जरा, दीदी का मुंह देखो मैगी के लिए। बहुत कम मिलता है ना महीने में एक बार, तुम्हारा मुंह देखे मैगी के लिए। हाँ ठीक लग रहा है, मैगी के लिए एकदम मुंह ठीक लग रहा है। ए, ए, ए। तो गाइज, यहाँ पे लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना देखने से कि परी बना रही है मैगी। आज का मैगी परी बना रही है, बहुत अत्ते थे। गिर जाएगा, देखो वो हिल रहा है। तो गाइज, अभी मैगी हो गया इन लोगों का रेडी, तो चलिए इन लोगों को सर्व कर देती हूँ। और ये बिल्कुल मैं सिंपल ही बनाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कुछ मतलब ऐसा मत सोचिएगा। इसमें टमाटर वगैरह और जो वो सब मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। हाँ ये तुम्हारा ही है बाबू, ये पकड़ो पकड़ो, साइड से पकड़ो, हाँ लेके जाओ। मैंने अपने बर्थडे स्पेशल पे छोटी छोटी शॉपिंग की है, और बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ लेकिन मैंने कुछ शॉपिंग की है जो कि मेरे बर्थडे के लिए स्पेशली मैंने मंगवाया हुआ है। तो चलिए वो मैं आप लोगों से दिखाती हूँ। एंड ये सारी शॉपिंग जो हुई है वो हुई है अमेजोन से। अमेजोन पर अभी फिलहाल में ना सेल चल रहा है, 16 से 20 तारीख तक सेल चल रहा है, इस पर आपको बहुत सारा बम्पर डिस्काउंट मिलने वाला है, 70% तक के आपको इस पर डिस्काउंट मिलेंगे। तो चलिए मैं अपना जो है ना खजाना आप लोगों से दिखाती हूँ। तो गाइस, ये फर्स्ट वाला जो शॉपिंग है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारी साड़ी है। तो ये जो साड़ी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही प्यारी है, इसका वेट भी बहुत ज़्यादा है। एंड ये जो साड़ी है ना, ये हम लोग ले सकते हैं लाइक मतलब जो हमारा जो फंक्शन होता है, वेडिंग फंक्शन होता है, उस हिसाब से हम लोग ले सकते हैं। इसको हम लोग दुल्हन के लिए भी ले सकते हैं, ये ऐसी साड़ी है। और थोड़ी सी कॉस्टली है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं, हाँ बट फिर भी मतलब अच्छी है साड़ी। पूरा सिल्क पैटर्न आएगा इसमें, और कुछ इस तरीके से आएगा इसका। बहुत सारा कलर जो है, 3-4 कलर्स इसमें हैं, बट मुझे ये जो है ना रानी पिंक मुझे बहुत अच्छा लगा, देखने में बहुत प्यारा लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये चूज़ कर लिया। वैसे रेड भी अच्छा लग रहा था, रानी पिंक भी अच्छा लगता था। और पता है गाइस मेरे साथ क्या होता है, मैं जब भी साड़ियाँ जो है ना चूज़ करने जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कभी कभार मैं कि जैसे कोई लाइट कलर या फिर कोई डिफरेंट सा कलर लूँगी,
जो कि मेरे पास नहीं हो, बट जब चूज करती हूँ ना पता नहीं क्या हो जाता है, जब वो देखती हूँ ना तो मुझे लगता है कि रानी पिंक वाला कलर, रेड वाला कलर। इसलिए फिलहाल के टाइम में ना मेरे पास ये सारे कलर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, रानी पिंक और जो रेड होता है वो कलर। और इसका जो ब्लाउज के समय मिलेगा वो सेम यही पैटर्न में मिलेगा यहाँ पे, तो इसको मैंने अच्छे से देख लिया। इसका पल्लू जो है पूरा, ये बनारसी जो है वो उस तरह से मिलेगा, बनारसी साड़ी ही है, सिल्क बनारसी है ये। तो कुछ इस तरीके से ये थी। और चलिए सेकंड हैंड मैं आप लोगों से दिखा रही हूँ, ये भी एक साड़ी ली मैंने, इसका भी कलर कॉम्बिनेशन एंड सब कुछ बहुत ही बढ़िया है। तो गाइज ये जो है कुछ इस तरीके से है एंड ये पिंक और ब्लू में है, तो इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा है। ये जो है ना थोड़ा स्काई ब्लू, डार्क स्काई होता है ना स्काई ब्लू, वो वाला कलर है। एंड इसका कलर कॉम्बिनेशन प्लस ये जो हमारा पैटर्न है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशन वाला है, अभी फिलहाल ट्रेंडिंग में ये वाला पैटर्न बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, तो इसलिए मैंने ये वाला बाय किया है। और ये काफ़ी अच्छा है, ये वाली साड़ी भी काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छी है और वेटेड साड़ी है, मतलब थोड़ा वेटेड साड़ी है ये भी। तो ये हो गई, एंड इसके अलावा भी बहुत सारी मेरी शॉपिंग है, वो भी आप लोगों से चलिए दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट वन मैंने बाय किया है एक ये कुर्ता, मतलब कुर्ता नहीं शर्ट टाइप का है, ट्रेंडिंग में ये आजकल बहुत ही ज़्यादा है, जो कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि जो इन करके पहनने का फैशन है ना वो फिर से मतलब वैसा करके आया है। तो इसको आप इन करके भी पहन सकते हैं, ऊपर से भी पहन सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मतलब ये सस्ती है प्लस बहुत अच्छी लग रही है, देखने में बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन हाँ, ये कपड़ा अगर आप सोच रहे होंगे कि कॉटन है तो कॉटन ये कपड़ा नहीं है, आप लोगों को अभी ही मैं बता दे रही हूँ कि ये कपड़ा कॉटन नहीं है, लेकिन ये ट्रेंडिंग में बहुत ही ज़्यादा है एंड पहनने पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आने वाला है इससे। तो मैंने जब देखा ना इसको, मैंने एक नज़र में जब देखा ना इसको तो इसको मंगवा लिया। वैसे मैं मोस्टली कॉटन के जो कपड़े होते हैं या फिर थोड़ा सा उस टाइप के कपड़े होते हैं वो मैं मंगवाती हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने कुछ इस तरीके का ये मंगवाया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो बाजू होता है शर्ट का वो शर्ट वाला ही बाजू है, एंड यहाँ पे कुछ हमें इस तरीके से मिलेगा, पीछे के साइड में थोड़ा सा चून मिलेगा दो प्लेट्स हमें। तो इसमें खास बात क्या है कि अगर हम थोड़े से मोटे या पतले होते हैं ना तो ये फिट हो सकता है, इसमें थोड़े से ना स्पेस दिए हुए हैं, यहाँ पे पीछे चून जो होता है ना वो दिया हुआ है, और नीचे से आपको जिस तरीके से करना है इन करके आउट करके आप वैसे पहन सकते हैं। तो ये भी मैं पहनूंगी तो आप लोगों से जरूर शेयर कर देती हूँ। तो चलिए ये हो गया, एंड इसके अलावा मेरी जो नेक्स्ट शॉपिंग है वो मैंने मंगवाई है नेल पेंट। तो ये जो नेल पेंट है वो एलेटिन का नेल पेंट मैंने मंगवाया हुआ है, और काफ़ी अच्छा है, ऑफर में था तो मैंने ले लिया। और ख़ास करके मैंने ये सोचा कि जब इतने सारे चीज़ें मैं मंगवा रही हूँ तो कुछ ये भी चीज़ें मंगवानी चाहिए मुझे, तो इस पर्पज़ से मैंने ये मंगवा लिया। इसका कलर बहुत अच्छा है और प्लस इसका रेट भी बहुत अच्छा है। तो इस कलर का ना एक्चुअली मैंने सूट मंगवाया था, आप लोगों से लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देख लीजिए। तो इस कलर का मैंने मंगवाया था ना, तो इसलिए मैंने ये कलर चूज़ करके मंगवाया। लेकिन जब मैंने इसको पाया है ना घर पर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मैं इसमें का एक दो और ऑर्डर करने वाली हूँ, आज ही मैं ऑर्डर करूँगी इसमें का एक आध और कलर, जिसमें का जो होता है ना साड़ियाँ या शूट हो वो मेरे पास हो तो उसमें का। तो चलिए ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग, जो कि मेरी बर्थडे स्पेशल शॉपिंग हो गई है। तो देखती हूँ इसमें से मैं क्या पहनूंगी अपने बर्थडे पे, क्या नहीं पहनूंगी। आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी सजेस्ट करने का अच्छा लगे तो आप लोग सजेस्ट जरूर कीजिएगा इसमें से कौन सा वाला मैं पहनूँ। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए मैं ब्लॉग में बढ़ती हूँ आगे, और इसमें से जो भी शॉपिंग आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अच्छी लगी नहीं लगी, कैसा लूँ, क्या नया है कुछ ट्रेंड में, अगर आपको जानकारी हो तो मैं उस टाइप की कुछ शॉपिंग करूँगी। चलिए फिलहाल के लिए ब्लॉग में आगे, जैसा कि आप जानते हैं कि संडे वाला मेरा ब्लॉग है, तो अभी शाम होने वाली है, दोपहर का बाद का टाइम हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ बनाने के लिए, क्योंकि भूख सी लग गई है अभी इस टाइम पर, और मैंने चेंज वेंज कर लिया है और अभी 3 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो चलिए इन्हीं से पूछते हैं आज ही क्या खाएँगे इस टाइम पर। यहाँ पर बैठ के फ़ोन चला रहे हैं सबसे पहले बात तो मैं सोच रही थी कि नहीं इनके मुताबिक अब चलिए राइस दाल वगैरह वगैरह वो सुबह ही मैंने बना दिया था, आज संडे को थोड़ा सा मुझे फ्री चाहिए था, मुझे जो शूट वोट करना था बहुत सारी वीडियोस मेरी पेंडिंग थी उसके वजह से, तो मैं अभी ऑप्शन बस दो ही दे रही हूँ, एक तो मटर है हमारे घर में छिला हुआ, मटर और चूड़ा फ्राई वो बन सकता है, दूसरा या तो हलवा या फिर मतलब कुछ ऐसा कुछ बन सकता है।
क्या खाना? ये आपको ऑप्शन केवल दिखाने के लिए मिलते हैं, ठीक है? इसलिए अगर जो मन हो वही बनेगा। अगर खासे में आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ जाइए, नहीं पढ़ना तो बोल दीजिए तथास्तु, जैसा आप मर्जी वैसा। आप क्या खाना चाहेंगे, तथास्तु या फिर अपना वो, नहीं तो कहीं कुछ दूसरा बना दे तो? ए प्रभु, आज पर यो यो इस आपने मन से बना है? ए प्रभु, चलिए ए प्रभु। चलिए गाइस, ये हलवा बहुत कम खाते हैं तो मैं हलवा जाके बना देती हूँ। हलवा नहीं खाते हैं ज्यादा, थोड़ा बहुत खाते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि हम लोग सोचते बहुत ज्यादा है, और मतलब सोचते ज्यादा है इसका मतलब कि जैसे होता है ना कि हम वो चीजें बनाना चाहते हैं जो सब लोगों को पसंद हो, सारे लोग मतलब वो खा सके पी सके, अपना हम लोग इतना नहीं सोचते हैं। तो फाइनली चलिए, मैं मटर जो छिले हुए थे वो लेके आई हूँ, और चूड़ा और मटर को अभी फिलहाल फ्राई करने जा रही हूँ, और उसके बाद से अपना जो बिहार का स्पेशल आजकल जो ठंडी में वहाँ बहुत चलता है बहुत ज़्यादा, तो वो हम लोग खाएंगे। चलिए स्टार्ट करती हूँ चूड़ा और मटर फ्राई करना। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने अपना मटर और चूड़ा फ्राई प्लस मटर जो होता है वो बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे चूड़ा को मैंने डाल दिया, उसके पहले मैंने जो चिल्लीज में डाला है ना वो जब ऐसे फ्राई हो जाता है ना, सूखा सूखा सा हो जाता है, बहुत टेस्टी लगता है सच में, मतलब तीखा तो भूल ही जाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे मैंने नमक डाल के बस सिंपली चूड़ा को फ्राई कर दिया है, और मैंने उसको हाथ से अगर उसको मस लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एकदम अच्छे से क्रंची सा हो जाता है। और उसके बाद से उसको अलग कर दिया, उसी कढ़ाई में फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आनियन डाल के और इसमें मटर को डाल दिया है। इसको ढक ढक के ना अच्छे से पकाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा सा हो जाता है, बिल्कुल एकदम सिंपली फ्राई, और इसको खाएंगे तो लाजवाब होता है। खैर, तो चलिए ये हमारा बन गया है, तो ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए।